एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं समीक्षा और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ एमएससी की क्लासेस। एमएससी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसकी क्लास आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी। एक और बेनिफिट है, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करती हो, मेरी क्लासेस को रेगुलर देखती हो, तो फ्री में आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। बशर्ते आपको सिर्फ स्टार्टिंग से कनेक्टेड रहना है कि आप हर एक क्लास देखो और उस हर एक क्लास के साथ फ्री में नोट्स आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर सेंड कर दिए जाते हैं। आपने अब तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप चेक नहीं किया है सॉरी, तो चेकआउट कर लीजिएगा। सभी लिंक ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के शेयर कर चुकी हूँ, स्पेक्ट्रोकेमी नेक्स्ट में शेयर हो जाएंगे, एंड देन कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स के भी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब भी इंपॉर्टेंट की बात आती है आपको अपनी यूनिवर्सिटी पता होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी इस क्लास को देखते हैं, तो अगर आपका सिलेबस वो सेम है जो मैं आपको कराती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने टॉप 10 टॉपिक 10 या 12 15 जितने भी मैं बताती हूँ, अगर वो आपके सिलेबस में है, ये चेक करने का तरीका है, तो आपको देखना है कि अगर वो हमारे सिलेबस में है दैन इट मीन्स कि वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ यूनिवर्सिटी सिलेबस को फर्स्ट सेम में करा रही हैं, कुछ सेकंड में करा रही हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एमएससी फर्स्ट सेम में इंपॉर्टेंट है और अगर वो आपके सेकंड सेम के सिलेबस में है तो वो सेकंड सेम में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर उसी अकॉर्डिंग बनता है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं उसमें से पेपर को बनाते हैं। तो ये डाउट तो आपका सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं जो ये शेयर कर रही हूँ वो CCSU का शेयर कर रही हूँ, बट अभी CCSU ने भी अपना सिलेबस चेंज कर दिया। इवन मैंने आज ही देखा है, अब तक नहीं देखा था, कि उन्होंने क्या करा है, फर्स्ट सेम में जो हम पहले करते थे वो सेकंड सेम में कर दिया, जो हम पहले सेकंड सेम में करते थे वो भी फर्स्ट सेम में कर दिया है। अभी भी लेटेस्ट सिलेबस मैंने चेक किया है, ठीक है। जो एमएससी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि CCSU ने चेंज किया है, बट ये चेंज आपके लिए बेनिफिशियल है जो अदर यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि जो इन्होंने फर्स्ट सेम में किया है वो अदर यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी फर्स्ट सेम में पहले से था, ठीक है। हालांकि मुझे प्रॉब्लम होती थी कि कुछ बच्चों के फर्स्ट सेम में अलग सिलेबस था, कुछ का अलग था, बट अभी वो सेम कर दिया, तो CCSU ने चेंज कर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्लास कैसी लगी सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई नो कि मैं मेहनत करती हूँ बट आप लोग कमेंट करके नहीं बताते, तो प्लीज बता दीजिए, आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अच्छे से अपनी क्लासेस को बना पाऊँ। तो चलिए अब फिजिकल केमिस्ट्री के टॉप 10 टॉपिक्स को हम देख लेते हैं, ओके। सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल से आपके लॉन्ग में क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं। देखिए, अगर मैं सिर्फ लास्ट ईयर का पेपर देख के आज ये टॉप 10 टॉपिक लिखती तो अभी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होते, पता है क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। अभी इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेकंड सेमेस्टर में कर दी, जो कि मैं अब तक फर्स्ट सेम में पढ़ा रही थी और जो फर्स्ट सेम में ही थी, बट वो सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर दिया है इस ईयर का, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में भी स्टूडेंट्स को हो सकता है, बट होना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लासेस आपको एज यूजुअल ही मिलेंगी, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डेफिनेटली अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहोगे तो आपको सिलेबस चेंज हो या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन प्रैक्टिकल तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिकल कैसे होते हैं वो भी मैंने क्लास बना रखी है, अदर को प्रमोट करना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग क्लास नहीं देखते हो, ठीक है। तो एज यूजुअल जैसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि ये टॉपिक कैसे आता है, तो देखिए लॉन्ग में भी आता है एंड शॉर्ट में भी आता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी फॉर वाइब्रेशनल, ठीक है, वाइब्रेशनल या रोटेशनल दोनों के लिए आ जाता है ये, तो ये आपका शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं करती भी नहीं हूँ। एंड इवन आपको नेक्स्ट सेम की पेड क्लासेस चाहिए या आपको सिर्फ ऑनलाइन मुझसे कनेक्टेड रहना है, तो आप कनेक्टेड हो सकते हो, व्हाट्सएप पे ज़रूर कनेक्ट होना, सो दैट कि जो क्लासेस मैं शेयर करूँ वो आप तक व्हाट्सएप पे शेयर हो जाए, क्योंकि मे बी यूट्यूब पे कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता, कभी आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो, तो मैं इसे शेयर कर दूँगी आप सभी के साथ व्हाट्सएप पे, ठीक है। थर्ड पार्टीशन फंक्शन, देखो बच्चे ये लॉन्ग में भी आता है आपका एंड शॉर्ट में भी आते हैं, ठीक है। लॉन्ग का शॉर्ट आप इजीली बना सकते हो, ये डाउट मेरे स्टूडेंट को तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को हमें यूज़ करना है सो दैट कि हम अच्छे मार्क्स ले पाए, ठीक है। कॉपी को लिखने का तरीका क्या है, उसमें हमें क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं कि जो हमारी मार्किंग है वो अच्छे से हो, यानी कि वो ओवर जाए, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कम ही आए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने शेयर किए थे अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा,
ठीक है, गिब्स ड्यूहम इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है इक्वेशन है ये, मेरी शायद क्लास आपको मिल जाएगी, इस पर नहीं है तो मैं अभी अपलोड कर दूंगी, जब तक आप ये क्लास देखोगे तब तक आपके सामने इन हर एक टॉपिक की क्लास होगी, ठीक है। प्लस सर्च करने का तरीका आपको मैं अभी बता देती हूँ। देखो, आपको मान लीजिए कोई भी टॉपिक सर्च करना है, ठीक है, और आपको मेरी क्लास चाहिए, वो आपको वैसे सर्च करके नहीं मिल रही, तो आपको क्या लिखना है यूट्यूब पे, टॉपिक प्लस बाय ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है, ये मैंने BWB शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है ब्यूटी विद ब्रेन, तो उससे रिलेटेड जो भी मेरे टॉपिक होंगे, जो भी मेरी क्लास होगी, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आई नो कि आप कंप्लीट क्लास नहीं देखते हो, जिन्होंने कंप्लीट क्लास नहीं देखी वो इस टॉपिक को मिस कर देंगे, ठीक है, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपको क्लास देखनी है। मैं खुद कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका ना लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लूँगी तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी वेस्ट होगा, अभी तो वैसे भी एग्जाम का टाइम है तो हमें वेस्ट नहीं करना, देन हमें नेक्स्ट सेमेस्टर भी स्टार्ट करना है, ठीक है, और नेक्स्ट सेम बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा, वो वन बाय वन टॉपिक टू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वो भी फ्री में, पेड तो जब जब किसी बच्चे को चाहिए होगा, अदरवाइज मैं अपनी साइड से पेड नहीं करूँगी, मैं फ्री में ही क्लासेस शेयर करूँगी, वन बाय वन शेयर होंगी, व्हाट्सअप ग्रुप पे अलग से एक ग्रुप बना के कि सेकेंड सेम थर्ड फोर्थ सेम का, उसमें अलग से क्लासेस आप सबको दी जाएंगी, नोट्स भी दिए जाएंगे, तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी, फिर भी मैं एक बार अपना नंबर मेंशन कर देती हूँ, 7454049006, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ओके, अगर कोई स्टूडेंट लिंक ना देखे, वैसे तो लिंक मेंशन है, देन हमारा सॉरी नेंसर्ट हीट इक्वेशन, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ये, लॉन्ग में है, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में टॉपिक आ जाएगा। अब नेक्स्ट है फ्यूगसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथमेटिकल पोर्शन है, जो बायो के स्टूडेंट है उन्हें फिजिकल में भी बच्चों प्रॉब्लम आ सकती है कुछ पॉइंट्स में, बट मैंने आप सबको ना इतने अच्छे से पॉइंट्स को क्लियर कराया है, टॉपिक को क्लियर कराया, इट नॉट जस्ट अबाउट कि मैं अपनी तारीफ खुद से कर रही हूँ, ये है कि अगर आपने क्लासेस देखी है और आप क्लास को देख के समझोगे, थोड़ा सा भी आप अपनी साइड से ट्राई करोगे तो आपका टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि जो मैंने मॉडिफिकेशन किया है अपने पढ़ाने के स्टाइल में, अपने कुछ चीज़ों में, मे भी ऐसा नहीं है कि मैं भी बायो के स्टूडेंट हूँ, बहुत पॉइंट ऐसे हो सकते हैं फिजिकल के जो कि मेरे क्लियर नहीं है, जो कि मैथमेटिकल पोर्शन है, राइट, तो उसमें मुझे भी प्रैक्टिस करनी होती है, तो अभी मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं और उसके बाद जो क्लासेस शेयर की हैं फिजिकल के पोर्शन पे, जो मैथमेटिकल पोर्शन है, दैट इज़ वेरी गुड, हर एक बच्चे को वो समझ आ जाएगी जिसकी लाइक मैथ कमज़ोर है, और कमज़ोर की भी बात नहीं है, जब आप बायो में आते हो तो मैथ से आपका मतलब नहीं रहता, तो आपके डेविएशन हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया, है ना, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैंने शेयर कर रखा है क्लासेस में, तो फिजिकल की क्लासेस ज़रूर देख लेना, ठीक है। फ्यूगसिटी है, लॉन्ग में ही आएगा, ये तो शॉर्ट में बन ही नहीं सकता क्योंकि पूरा डेरिवेशन है, और डेरिवेशन को तो आप शॉर्ट में नहीं बना सकते हो ना, मे बी सिर्फ वेरी शॉर्ट में आ जाए, वेरी शॉर्ट में सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, ठीक है, या तो जब फ्यूगसिटी अगर आपका वेरी शॉर्ट में आता है तो सिर्फ आपको डेफिनेशन तक देनी है, एक्स्ट्रा में नहीं जाना, बट ये अगर लॉन्ग में आता है तो कंप्लीट डेरिवेशन आपको इसका डराइव करना है, उसको पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने अपने लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में भी शेयर किया था कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, गो टू द कलर पेन एंड हाईलाइट दैट पोर्शन, सो देट कि टीचर को भी क्लियरली उस पर फोकस जाए कि ये जो पॉइंट लिखे गए हैं वो रियलिटी में इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता और आप उसे भी हाईलाइट कर दो, वो नहीं करना है, जिसमें आपको डाउट है उसे भी हाईलाइट नहीं करना, बट जिसका आपको पता है कि भाई इसकी डेफिनेशन, इसका डेरिवेशन या इसकी मेन इक्वेशन हमें बहुत अच्छे से पता है, हम श्योर हैं कि हम सही लिख रहे हैं, तो जो चीज़ें आप सही लिख रहे हो ना उसे हाईलाइट कर दो, ठीक है, ऐसी करके कलर पेन से यूज़ कर दो। अब कलर पेन कौन कौन से यूज कर सकते हैं ये क्वेश्चन मत पूछना, उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्लास बना दी, ठीक है, या अब नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रो मॉलिक्यूल, बच्चे इससे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों में क्वेश्चन आता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट में आएगा तो कम पोर्शन लिखना है, शॉर्ट में आएगा तो उससे थोड़ा ज्यादा लिखना है, और लॉन्ग में आएगा तो देखो कंप्लीट उसके सॉरी उसका इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, उसके लाइक प्रिंसिपल, वो सभी मैक्रोमोलिक्यूल के, प्लस मैकेनिज्म भी, ठीक है, पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म का क्वेश्चन भी कभी कभी मैक्रोमोलिक्यूल के पोर्शन में आ जाता है बच्चे, तो लाइक अभी आप सेकंड सेम फर्स्ट सेम हो सॉरी तो फोर्थ सेम में पॉलीमर करोगे तो अभी तो वो आपको नहीं आता होगा,
बट मेरी क्लास है पॉलीमराइजेशन पे, वो देख लेना, वो ऑर्गेनिक में भी सेम है, फिजिकल में भी सेम है और पॉलीमर में भी सेम है। तो टॉपिक मैक्रोमोलिक्यूल से पॉलीमराइजेशन का भी आ जाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर कोई बच्चा सच में क्लास देख रहा है ना, तो उसे कुछ तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने चाहिए ना। तो पॉलीमराइजेशन का क्वेश्चन भी मैक्रोमोलिक्यूल से आ जाता है और लॉन्ग में ही आता है। तो आप देख सकते हो, अगर आप क्लास नहीं देखते तो आप 10 से 15 नंबर मिस कर देते। ठीक है, मैं क्लास बना रही हूँ वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही है, ऐसा नहीं है मुझे टाइम पूरा करना है। अगर मुझे सिर्फ टाइम पूरा करना होता तो मैं ना रिसर्च करती, ना आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाती, और जो सिलेबस बदला है उसमें से इंपॉर्टेंट भी शेयर नहीं कर पाती। मेरी मेहनत है, बट आपका सपोर्ट डेफिनेटली उस चीज़ के लिए चाहिए। तो जिन भी बच्चों ने इस क्लास को पूरा देखा है उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको मेरी याद ज़रूर आएगी कि समीक्षा मैम ने फिजिकल के जो टॉपिक्स बताए थे या अदर सब्जेक्ट के जो बताए थे वो इन रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थे। ठीक है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है मेरे अब बताए अकॉर्डिंग, और कुछ नहीं करना। ठीक है, लाइफमैन इक्वेशन या लिपमैन इक्वेशन भी किसे बोलते हैं, लॉन्ग में करनी पड़ेगी, डेरिवेशन है, शॉर्ट का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो पूरा करिएगा। ओवर पोटेंशियल शॉर्ट में भी आ जाता है एंड लॉन्ग में भी आ जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा ना स्क्रीन से दूर हूँ, आपको लग रहा हो मैम आप ऐसे ऐसे आज क्यों लिख रहे हो, वो मुझे यहाँ से पेन पकड़ के देन लिखना पड़ रहा है। ठीक है, या तो शॉर्ट एंड लॉन्ग, क्योंकि अगर मैं पास रहूँगी, मतलब स्क्रीन के पास रहूँगी, तो आपको मैं नहीं दिखूंगी। तो अभी जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो जब हम फेस टू फेस करते हैं तो ज़्यादा ईजी रहता है, बच्चों को समझ आते हैं, तो इसलिए मैंने शेयर किया। ओवर पोटेंशियल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में मैंने क्या करा है, शॉर्ट नोट का पॉइंट कर दिया और अभी तो पेपर में भी आने लगा है भाई। तो शॉर्ट नोट में क्या है, कुछ टॉपिक लिए मैंने जो आपको शॉर्ट शॉर्ट पोर्शन में करने हैं। ठीक है, एड्सॉर्प्शन पहले सेकंड सेमेस्टर में था, अभी फर्स्ट सेम में कर दिया, तो इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है तो जरूर करना। ठीक है, सेम शॉर्ट के अकॉर्डिंग 2 to 3 pages कर लेना, एक्स्ट्रा में नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जिसे हम ACT भी बोलते हैं, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेरिवेशन टाइप है बट समझ आ जाएगा, और मेरी क्लास देखोगे तो डेफिनेटली समझ आ जाएगा। ठीक है, सी सी पे CMC ही है। ठीक है, क्रिटिकल मिसाइल मिसाइलाइजेशन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इससे मिसाइल्स का भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे एक और ऐड कर लेना आप मिसाइल्स। ठीक है, वो क्या होता है, देन CMC से भी क्वेश्चन आता है, CMC क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और मिसाइल्स क्या होते हैं उसके लिए एक अलग से क्लास है, वो तो क्लास मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो क्लास देख लेना। ठीक है, तो CMC से मिसाइल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कर लेना। और अभी हमारा है लास्ट, दैट इज सेमीकंडक्टर, न्यू एडिड टॉपिक है, आपके सिलेबस में अगर ऐड है तो इस टॉपिक को जरूर करना, क्योंकि जो न्यू एडिड क्वेश्चन टॉपिक होते हैं ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के। तो अगर ये न्यू एडिड आपके सिलेबस में है, जब भी क्लास देखो अपने माइंड में सिलेबस जरूर रखो। बहुत बच्चे हैं सिलेबस का नहीं पता होता, क्लास देखते जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है बच्चे। आप अलग यूनिवर्सिटी से हो सकते हो, आप बरेली से हो सकते हो, आप रायपुर से हो सकते हो, आप बिहार से हो सकते हो, आप कहीं से भी हो सकते हो। और मैं सिलेबस आपको UP यूनिवर्सिटी का करा रहा हूँ, UP में भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको पहले अपना सिलेबस पता हो उसके अकॉर्डिंग आप क्लास देखो। ठीक है, आई नो कि वैसे तो देखो 80% सिलेबस ना सभी यूनिवर्सिटी का सेम है, बट फिर भी 20% भी वैल्यू करता है बच्चे, ऐसा नहीं है कि 20% वैल्यू नहीं करता। मान लो आपने 80% ही किया, उसमें से पेपर में आया 60%, आपको याद रहा 40%, तो आपने मार्किंग अपनी खुद से कम कर ली ना, तो आपको उस पॉइंट पे नहीं जाना। ठीक है, तो ये टॉपिक थे, समझ आ गए होंगे आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे तो मैं ग्रुप में इसका ऑलरेडी एक फोटो शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो वहां से देख के आप समझ सकते हो, और प्लीज क्लासेस को देखो। आई नो कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि मैम क्लास देखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट तो हमें मिल गया। एक स्क्रीनशॉट में लिखे टॉपिक का और जो समझाने का है उसमें बहुत डिफरेंस है, और अगर आप इस डिफरेंस को नहीं समझोगे तो आपकी मार्किंग कहीं ना कहीं उस लेवल तक नहीं जाएगी। तो MSc कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है कि आपने पास कर लिया, सिर्फ आपको पास नहीं होना, आपको अच्छे मार्क्स भी लाने, प्लस अपने पॉइंट को भी क्लियर करना है, अपने थॉट को भी क्लियर करना है, अपने लाइक अपने कोई टॉपिक क्या है, और उस टॉपिक की जब तक डिटेल्स आपको नहीं पता, आपके माइंड में नहीं है, आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं है, आपका MSc करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो MSc कर रहे हो ना तो अच्छे से करो। मे भी मैं ये नहीं बोल रही हर एक यूनिट आपको अच्छे से आनी चाहिए, कोई यूनिट होती है कि जिसे आप छोड़ भी सकते हो,
है ना, कि आपको भाई वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो उस यूनिट को छोड़ दो, बट उससे अदर जो भी टॉपिक करो उन्हें इतने अच्छे से करो कि इन अ लाइफ टाइम आप अपना मेरी तरह कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, अपने भाई बहन को पढ़ा सकते हो, अपने आसपास के लोगों को पढ़ा सकते हो। तो अपना पॉइंट क्लियर करके चलो कि आपको भी मैं याद रहूँ कि समीक्षा मैम ने पढ़ाया था और हमने पढ़ा था तो आज हम कहीं हैं। और बिलीव मी, आप मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टैंड करोगे। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये नहीं, उस चीज़ का मेंशन नहीं करना भाई, हमें अपना नाम बनाना है, वो हम कैसे भी बना लेंगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है हमें वैकेंसीज के पीछे भागना है, हमें गवर्नमेंट टीचर के पीछे भागना है या अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप में अगर कैपेबिलिटी है आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है। तो चलो मैं क्लास को एंड करती हूँ, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक कॉमेंट करके ज़रूर जाना, सो बाय बाय।